नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो विंटर क्रीम ग्रीन क्रीम के बारे में, जो कि एक स्पॉट करेक्टिंग और एंटी एक्ने क्रीम है। तो ये छोटा सा पैकेज इसका आ जाता है 15 ग्राम का। बाहर नॉर्मल सी नॉर्मल बॉक्स की पैकेजिंग होती है इसी प्रकार की। और ये जिस प्रकार से इनके सारे प्रोडक्ट में ऊपर ग्रीन सी ये कैप होती है, तो इस प्रोडक्ट में भी एक ग्रीन सी कैप है और नीचे वही वाइट सा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ। इनके सारे प्रोडक्ट का ऐसा सही होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का बेसिकली। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की आपको बात करूँ, ये 15 ग्राम की आती है। हाँ, और प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 199 रुपीज़ लिख रहा होगा, बट अमेजोन पे ये आपको 100 रुपीज़ में मिल जाती है, 100-120। तो प्राइस थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो बायोटिक की आयुर्वेदा की क्रीम है, तो ये एक कॉस्मेटिक नहीं होते, ये इनके जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। तो इस यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट हैज़ थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ टू, दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो इन्होंने जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल करते हैं, और इसमें इन्होंने क्या क्या इस्तेमाल करा हुआ है, जैसे दाल हल्दी करा हुआ है, छोटी दूधी करा हुआ है, गंधपुरा करा हुआ है, नीम करा हुआ है, और एक क्रीम बेस दिया हुआ है। तो ये चार चीज़ें इसमें इस्तेमाल करी गई है। और ये जो इन लीव्स के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो अपनी कूलिंग, हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के उससे जाने जाते हैं। और ये जो एक ये सूदिंग सा स्पॉट करेक्टिंग क्रीम है, तो एक सूदिंग सा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी और आपके जो स्किन है उसे फ्लॉलेस बनाएगी विदाउट एनी फ्लेकीनेस और ड्राइनेस। इसमें काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है, विंटर ग्रीन ऑयल का, नीम ऑयल का, और एक्सट्रैक्ट भी दिए हुए हैं आपको बर्बरी और यूफोरिया के, जिनसे कि आप अपने एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं और कई भी जो स्किन प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है इसमें काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। तो इसके अलावा भी थोड़ी बहुत स्किन प्रॉब्लम हो तो उसे भी ये फिक्स कर सकते हैं। और इसमें एक काफ़ी इफेक्टिव एक एंटी पिम्पल ट्रीटमेंट क्रीम इसे मैं कहूँगा। एंड इसको एक रिजल्ट को और क्विकर करने के लिए इसमें विंटर ग्रीन का ऑयल डाला गया है, जिससे आपका एक और हेल्दियर सी लुक आए और आप थोड़े से फ्रेश करो और इससे थोड़ा क्विक रिजल्ट भी आपको मिल जाए। एप्लीकेशन फॉर यूज़ बताऊँ, नॉर्मल अपना फेस वॉश करके, जैसा भी क्लीन फेस होता है उसके बाद आप ये क्रीम लगाएंगे। मैं आपको टेक्स्चर दिखाना भूल गया, वाइट टेक्स्चर है इसका प्रॉपर, जैसा कि आप देख सकते हो येल्लोइश टेक्स्चर है इसका। और ये आपके जहाँ पे भी पिंपल हो रहा है वहाँ पे आप अपना लगा सकते हैं। फ्रेगनेंस की बात करूँ तो फ्रेगनेंस इसमें दवाइयों जैसी सी फ्रेगनेंस है, कोई ऐसे एक्सटर्नल फ्रेगनेंस नहीं आ रही, जैसे पत्तियों को जैसे इन्होंने बता ही रखा है, तो उसी प्रकार का लग रहा है कि हाँ इन्होंने उसका एक्सट्रैक्ट ही दिया हुआ है। तो जो नेचुरल सी फ्रेगनेंस होती है, जो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो उस प्रकार की वैसी सी स्मेल आ रही है इसमें, ठीक है, जो फ्रेगनेंस है तो नेचुरल फ्रेगनेंस है इसमें। इसमें लिखा भी हुआ है कोई कॉस्मेटिक नहीं है, तो एडिशनल कुछ इन्होंने डाला नहीं है, सिर्फ वो वाले हर्ब्स इन्होंने इंक्लूड करे जो कि आपकी स्किन के लिए और आपके एक्ने कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा रिव्यू और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए सहायतामंद रही हो। एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।